हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं उसी उसी टॉपिक जो हम एंथ्रोपोलॉजी की ओरिजिन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उसी के नए पार्ट को लेकर आया हूँ, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव फेज भी बोलते हैं, जो 1859 से 1900 ऑनवर्ड्स तक ये रहा। तो उस कंस्ट्रक्टिव फेज में क्या हुआ, जब जब हमारे पास हमने देखा कि हमने दो रिसर्चर्स को हमने पढ़ा, हमने समझा कि कैसे व्यूज आने लगे, या अलग अलग जैसे नियनरथाल के एवोल्यूशन हुआ और आपके ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज आए, जो तो हमें एक पर्सपेक्टिव हुआ ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन कल्चर को जानने पहचानने की काफी ज्यादा वो हुआ। तो उस जब कंस्ट्रक्टिव फेस आया दोस्तों, तो इसमें अलग अलग सबने इंडिपेंडेंटली रिसर्चेस को खोलना, इस पे एंथ्रोपोलॉजी पे काम करना चालू किया, और काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने भी इसको एक्सेप्ट भी किया। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड हो गई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में भी, उस समय में एंथ्रोपोलॉजी पे काफी इसकी रिसर्चेस पे काफी ज्यादा काम होने भी लगा। फिर दोस्तों जब साइंटिफिक रिसर्चेस होने लगी, मेथड्स में थोड़ा सा एडवांसमेंट आने लगा, तो जैसे ईबी टाइलर हो गया, जेम्स फ्रेजर हो गया, एलेक्स मॉर्गन हो गए, इन लोगों ने दोस्तों काफी ज्यादा रिसर्चेस पे योगदान दिया अपना, और काफी ज्यादा रिसर्चेस को एक आगे लेवल पे ले गए, और ज्यादा सोसाइटी को इन्होंने रिसर्च पे किया। पहले जो जो हो रही थी उन्होंने ये इसके बियॉन्ड गए, और ज्यादा से ज्यादा डाटा या आर्टिफैक्ट्स या इकोग्राफ्स लिखी या चीजें समझी और रिसर्च पे डाली। फिर दोस्तों जैसे जैसे जब कंस्ट्रक्टिव फेस हमारा बढ़ता चला गया, तो हमने जैसे प्री हिस्ट्री की, इंसान की पहले की हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि नियंडरथाल की डिस्कवरी ने काफी बड़ा एक मोड़ ला दिया था, तो हमें काफी ज्यादा उसको जानने की उससे पहले कैसे क्या हमने चीजें हमारी कंस्ट्रक्ट हुई, हमारा कल्चर कैसे रहा, हमारी सोसाइटी कैसे रही, हमारे ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या चेंजेस चेंजेस आते हैं बॉडी में एवोल्यूशनरी पार्ट में, तो हमें उसको समझने के लिए हमने काफी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल में ध्यान दिया। हमारी सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा चीजों में बहस होने लगी कि हमारी सोसाइटी उस समय की कैसी थी, हम ह्यूमन उस समय क्या कैसे कैसे चीजों को इवॉल्व करते थे, या सर्वाइवल के लिए वो क्या कर रहे थे। वैसे दोस्तों जब आगे जाके कंस्ट्रक्टिव फेस अब आगे बढ़ने लगा, तो काफी ज्यादा ब्रिटिश ऑफिसर जो हम इंडिया में, जैसे जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन भी चल रहा था उस समय, तो ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में आए, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा कुछ रिसर्चेस की। जैसे कि हम और जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडवर्ड थर्स्टन का नाम बोल सकते हैं हम, रसल हो गए, ग्रोथ, इन लोगों ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में काफी रिसर्च किया, और रिसर्च इन द सेंस की अपने सेंस में लिखा, और कुछ एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंडिया में रास्ते भी खोले। बट दोस्तों जब भी हम जैसे हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज में, जब सोसाइटीज या जब भी जैसे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही थी, तो इंग्लैंड हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका यूएस हो गया, और आपका यहाँ से जर्मनी हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन जो एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने सब्जेक्ट में काफी ज्यादा रिसर्चेस को खोलने लगी। जब रिसर्चेस ओपन होने लगी, तो एक सोसाइटी के लिए वाइड ऑफ एंगल पर्सपेक्टिव या जो चीज़ें हमें सोसाइटी को समझने के लिए या ह्यूमन को समझने के लिए, दोनों के बीच के सिमिलैरिटी या डिफरेंस समझने के लिए काफी ज्यादा रिसर्चेस होने लगी, जिसने एक कंस्ट्रक्टिव फेस को एक अलग ही लेवल पे जाके ये ले गए। और इससे हमने ये भी देखा कि जब रिसर्चेस में मोड़ आया, जो हमारे कंस्ट्रक्टिव फेस से पहले जो हमारा फेस था डाइवर्जेंट फेस, उसमें जो एक मोड़ आया, तो उसने इन रिसर्चेस की और हमें हमें प्रोत्साहित किया, और हमें आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा रिसर्चेस पे काम करने का मौका दिया। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।